दोस्तों डिफेंस यात्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जिसने कई बार भारतीय रक्षा नीति को लेकर बहस खड़ी की है, और सवाल है जब रूस भारत को अपने सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट SU-57 को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर कर रहा है, तब भी भारत उसके साथ डील क्यों नहीं कर रहा, और आखिर भारत फ्रांस के राफेल और अमेरिका के साथ तेजस जेट इंजन डील को क्यों आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले समझते हैं SU-57 की पेशकश। रूस का SU-57, जिसे फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर माना जाता है और दुनिया के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, रूस कई बार भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश कर चुका है, लेकिन भारत ने अब तक इस डील को फाइनल नहीं किया। तो आखिर वजह क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। SU-57 की भरोसेमंद तकनीक पर सवाल। भारत का अनुभव रूस के साथ बहुत पुराना रहा है, चाहे वह SU-30 MKI हो, S-400 हो या MiG-29, रूस तकनीक देता है लेकिन कई बार पूरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलती। SU-57 अभी तक बड़े पैमाने पर रूस की अपनी वायुसेना में भी डिप्लॉय नहीं हुआ है, और भारत को डर है कि यह अधूरा प्रोजेक्ट भारत पर थोप दिया जाएगा। लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस की समस्या। रूस से आने वाले हथियारों की सबसे बड़ी कमजोरी है स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट सिस्टम। युद्ध के समय तेजी से स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि भारत अब लंबी अवधि के लिए फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का असली सर्ज। रूस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है लेकिन भारत को पूरा डिजाइन और कोर टेक्नोलॉजी नहीं देगा, और दूसरी ओर फ्रांस और अमेरिका के साथ भारत की डील्स ज्यादा पारदर्शी और रिजल्ट ओरिएंटेड दिख रही है। उदाहरण के तौर पर भारत फ्रांस की AMC इंजन डील और अमेरिका के साथ GE-414 इंजन प्रोजेक्ट, जिसे भारत को भविष्य में इंडिजीनियस फाइटर जेट बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत को यहाँ भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध का असर। रूस अभी यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, उसकी डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता पर दबाव है। ऐसे समय में भारत के लिए रूस पर अधिक निर्भर रहना रिस्की हो सकता है, और भारत को ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो लंबे समय तक विश्वसनीय रहे और जो रशिया रहा भी है। अब सवाल उठता है कि भारत फ्रांस और अमेरिका के साथ क्यों जा रहा है। फ्रांस पर भरोसा। राफेल डील ने भारत और फ्रांस की डिफेंस साझेदारी को और मजबूत किया है। फ्रांस ने भारत को तकनीकी सहयोग देने में हमेशा आगे बढ़कर कदम उठाए हैं। अब भारत फ्रांस मिलकर AMCA फाइटर के लिए इंजन बना रहे हैं, जो भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका का रणनीतिक महत्व। अमेरिका के साथ GE इंजन डील भारत के तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोजेक्ट को पावर देने के लिए अहम है। यह इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा, यानी भारत को सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि पूरी उत्पादन क्षमता भी मिलेगी। एक और बड़ा कारण है रणनीतिक संतुलन। भारत जानता है कि भविष्य में उसे चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैयार रहना है। रूस के साथ गठजोड़ अच्छा है, लेकिन अगर भारत अमेरिका और फ्रांस के साथ भी रिश्ते मजबूत रखता है तो यह भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन को और मजबूत करता है। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि जब कोई देश खुद मजबूत होता है तो दूसरे देशों के साथ उसके रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि भारत ने SU-57 डील से दूरी बनाकर फ्रांस और अमेरिका की ओर झुकाव दिखाया है। असली वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं बल्कि भरोसा, लॉजिस्टिक सपोर्ट और भविष्य की रणनीति और टैरिफ या सैंक्शंस के दबाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैसे भी भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता बल्कि खुद टेक्नोलॉजी डेवलपर बनना चाहता है, और यही रास्ता भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिलाएगा। दोस्तों आने वाले सालों में जब भारत का अपना AMCA स्टेल्थ फाइटर आसमान में उड़ान भरेगा, तब यह फैसला सही साबित होगा कि भारत ने SU-57 को छोड़कर अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद सहयोगियों पर दाव लगाया।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को रूस का SU-57 लेना चाहिए था या फ्रांस अमेरिका के साथ जाना सही फैसला है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर व डिफेंस यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।